नगरीकरण के लिए भैया जी बस ये पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। तीन एक दो एक वीडियो दे दिया है, एक और ये है और इसके बाद एक और है। यूपी पुलिस हो, यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, या 64वीं या और 65वीं बीपीएससी हो, हरियाणा पीएससी हो, इस नगरीकरण के लिए यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं आना है। अच्छा देखिए, सार्क देशों में नगरीकरण की स्थिति आप एक बार इसे रट दीजिए। मैंने ये अवरोही क्रम में सेट कर दिए हैं भाई साहब, बस ये प्रश्न भी आ सकता है कि इनको अवरोही क्रम में इसके हिसाब से लगाओ, डीप आएगा। तो सबसे पहली स्थिति पे है 44% हैं, कहाँ हैं? मालदीव में। मैं ज़रा हाईलाइट करता जाता हूँ, मालदीव सबसे अच्छी पोजीशन है सार्क देशों में, या ठीक। और इसके बाद मिलता है आपको भूटान 38%, बांग्लादेश 34%, भारत 32%। इसे याद रखिएगा, भारत की सेपरेट स्थिति भी पूछी जा सकती है जनसंख्या के अंतर्गत 32%, और नगरीकरण की स्थिति है 32%, अफगानिस्तान 26 और श्रीलंका और नेपाल दोनों का है 18 और भूटान पाकिस्तान का 38 है। ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकते हैं आपको। एक मैंने ट्रिक दे दी है यहाँ पे, ये मैं आपको अभी बता दूंगा इसमें, वो भारत की है, भारत में नगरीकरण के लिए, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। और भैया जीके ट्रिक्स की 4 किताबें, यूपीएससी ट्रिक्स की 2 किताबें आप पढ़ लो। 40-50% तो फंस ही जाता है उसमें से, जितने भी स्टैटिक जीके आती है वो आपको एकदम, और एक कोई कंफ्यूजन आपको ज़िंदगी में नहीं रहेगा। मैथ ट्रिक्स की, गणित ट्रिक्स की और यूपी पीडीएफ फ्री में चाहिए आपको ट्रिक वाली, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर है 9972952747417455444 पर। आप इसे देखिए ध्यान से, ब्रिक्स देशों को आप बिल्कुल एक पक्के तरीके से याद कर लीजिए। ने देखिए, यहाँ ब्राज़ील पहले स्थान पे है, बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें। दक्षिण अफ्रीका रूस के होने के बावजूद भी, रूस यूरोपीय देश मान लीजिए आप रूस को, और ब्राज़ील पहले स्थान पर है, जबकि ब्राज़ील कृषि प्रधान देश भी है और 85% यहाँ की जनसंख्या शहरों में निवास करती है। दूसरे स्थान पर है रूस और तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, क्योंकि भारत तो देखिए आप बहुत बहुत अत्यधिक ये मान लीजिए विकासशील अवस्था में है, तो चीन का स्थान है 53% के साथ 4वें नंबर पे, और भारत अंतिम स्थान है ब्रिक्स में, 5वें स्थान पर आता है, मतलब सबसे अंत में भारत की स्थिति है 32% के साथ, अगर आ भी जाए। अच्छा, दो चीज़ और आई है, एक मेगा सिटी की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। मेगा सिटी की जो डेफिनेशन है वो भी पूछी गई है एक बार, अर्थात मेगा सिटी किसको मानेंगे हम? मेगा सिटी उसको मानेंगे और जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़, 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ से ज़्यादा हो, उसको आप, भैया कमेंट करने में कोई नुकसान नहीं है आपका, थोड़ा सा मदद मिली हो आपको, ट्रिक भी बताता हूँ मैं, तो वो अगर थोड़ी मदद मिल गई हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, जो लोग वाइट बोर्ड पर ही पढ़ना चाहते हैं तो आप वाइट बोर्ड बता दीजिए, मैं वाइट बोर्ड पर ही पढ़ा दूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वाइट बोर्ड में लिखने में और फिर वीडियो कैप्चर करने में फिर उसके बाद कन्वर्ट करने में बहुत देर लग जाती है, ये 4 वीडियो बन जाएंगी, वो एक ही वीडियो बनती है, इस वजह से मैं थोड़ा ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो मेगा सिटी में पहले स्थान पर, देखिए सिटी के मामले में अगर केवल सिंगल नगर के मामले में कोई बात आए तो आप सीधा लगाइए बृहद मुंबई या मुंबई, 18.41 मिलियन में। और नगरी समूह की बात आए तो पहले स्थान पे है दिल्ली, लेकिन नगरों में दूसरे स्थान पे है दिल्ली और तीसरे स्थान पर कोलकाता। भारत के 3 ही नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। अच्छा, आप यहां ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए, हाँ वो ऊपर वाली लाइन और जरूर देख लीजिएगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है महाराष्ट्र में और दूसरे नंबर पे है भारत, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। तो देखो, गोवा नगर में मज़े किए तुमने, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, गोवा और मिजोरम ऑप्शन में नहीं आएंगे, तीसरे स्थान वाला तमिलनाडु ऑप्शन में होता है। फिर आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा राज्य नगरीकरण में प्रथम स्थान पर है, निम्न में से कौन सा, ऐसे करके देता है। तो अब आप देखिएगा इसमें कि गोवा नगर में मज़े किए तुमने, अगर तुम भी जाओगे तो, गोवा अगर जाओगे तो यार सही बात है, ज़्यादातर लोग मज़े करने के लिए जाते हैं वहाँ, तो गोवा का मतलब गोवा पहले स्थान पर है नगर का मतलब नगरीकरण में, और दूसरे स्थान पर कौन है, मिजोरम।
51.51 51.51% नगरीय प्रतिशतता के साथ तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। बस यही आपको याद रखना है। 9972952322 नंबर भी याद कर लीजिए, वहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगी। व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूपी की ट्रिक फ्री में पीडीएफ और राजस्थान की फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। बस चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।